जय श्री राम सुंदर जी। जय श्री राम। कालू भगत जी बोले था हरियाणा से। अच्छा बोलिए भगत जी बोलिए। हाँ तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो भी संतों के बीच में आपसी में देखो संवाद होना चाहिए, ना कि तकरार होना चाहिए। जी ये बात तो बार बार हम भी कह रहे हैं। हाँ और हमारे तो देखो गुरु सबके लिए बराबर होता है, कोई भी हो सबके लिए वो एक स्वामी होता है जी। और हम ये मानते हैं कि पांडवखर धाम से जुड़े हैं और गुरुजी से एक बार मुलाकात हुई है और हमने वो रिजल्ट मिला है जो कि मैं स्वयं भी किसान का बेटा हूँ, माता शीतला का दास हूँ और मैंने सन 2009 से माता की भक्ति उठाई थी बचपन से जी। और जब से गुरु से मिले हैं तो मुझे 10 साल के दौरान में अपने आसपास पूरे हरियाणा क्षेत्र के अंदर और आसपास में दिल्ली होगी, गुड़गांव हो गया और राजस्थान भी हो गया जी, आज के इस कली काल में जो पांडवखर धाम में दरबार लगता है, मैं तो ये मानता हूँ कि ये सतयुग और त्रेता का द्वार है। अच्छा। और शक्तिपुत्र महाराज जी ने जो भी अभद्र भाषा निकाली और सभी को पूरे विश्व को एक सनातन धर्म को चुनौती दे दी। चुनौती दे दी तो सबसे पहले आपने चुनौती देने से पहले प्रतियोगिता का प्रबंध करना चाहिए था जी। गलत तो नहीं है जी? जी आप चाहते हैं कि पहले आपको प्रारूप बताना चाहिए किस टाइप की चुनौती है, क्या है। हाँ ये और एक बात के गल कह रहे हैं कि मैं तो जगदम्बा भगवती का भक्त हूँ, जगदम्बा भगवती का भक्त हूँ। पहली बात तो कि भगवती माता दुर्गा महाकाली किसी को चैलेंज नहीं करती और जिसके अंदर भगवती दुर्गा होगी उसके अंदर शीतलता मिलेगी, किसी की वो निंदनीय नहीं करेगा, किसी की निंदा नहीं करेगा। और जो भी संत फकीर हो जाता है, योगी हो जाता है, योगी पुरुष हो जाता है, वो कहीं भी किसी की मोह ममता में नहीं पड़ता, जंगल बियाबान में अपनी तपस्या करता है, किसी गुफा में बैठ के किसी पहाड़ पर्वत पे बैठ के वो तपस्या करेगा। बार बार एक बात पुकारते हैं, मुझे तो शरीर को तप किया है, चेतन तो किया था बाबा गुरु गोरखनाथ ने, उस जैसा योगी पुरुष आज धरती पे ना तो हुआ और ना आगे होगा जी। और भगवती दुर्गा जगदम्बा का भक्त हुआ था तो धनु भक्त हुआ था, उस जैसा आज पृथ्वी के ऊपर ना कोई भक्त होगा और ना हुआ है। असली भक्त हुए थे उनकी कहाँ ओढ़ करेगा। अरे एक बात मानते हैं, ये कहते हैं कि पांडवखर सरकार, पहली बात तो उन्होंने पांडवखर विलेज गांव को बदनाम किया, उसका नाम का अवलोकन किया, उसने गलत शब्द बोला। दूसरी बात, पांडवखर सरकार महाराज बालाजी महाराज के नाम से पूछता है, बालाजी महाराज को जब वो चुनौती दे रहा है, ना कि उन्होंने गुरु शरण महाराज का नाम लिया। अरे ये बात आज एक और भगत ने मुझे रिकॉर्ड करवाई है, आपकी बात ही वो बोला है कि पांडवखर सरकार का नाम क्यों लेते हो, पांडवखर सरकार का मतलब बालाजी है, हनुमान जी है, और आप जब उनको इस अभद्र भाषा में बोलते हो तो हमारी आस्था को चोट लगती है, हम ये सहन नहीं कर सकते। सभी बात है, सभी भक्तों के साथ में, सभी शिष्यों के साथ में उनकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं। मैं तो एक चीज मानता हूँ, पहले तो दो पॉइंट इनकी चुनौती के ऊपर बोलता हूँ और ये तो सार्वजनिक जाएगी, हमारे गुरु जी ने तो नहीं कहा, लेकिन हम कह रहे हैं कि प्रतियोगिता और चुनौती से पहले अपनी दाढ़ी के और सिर के बाल गिनने लगा, अगर गिन के बता भी दो तो 10 साल में, अगर इतने संत योगी पुरुष हो तो अपनी दाढ़ी के और सिर के बाल गिनने लगा ये बता देंगे। हम तो एक बात मानते हैं, अपने शांति भाव रखो, शांति दूत। दूसरी बात, अपने शिष्य को ये तो शिक्षा नहीं दी, कोई पुतला भूख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो एक
उनकी तरफ से अपने सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए फर्जी पत्रकार खड़ा हो गया। उनको ये नहीं पता कि भाई देश में धार्मिक भावना को आपस में ठेस पहुंचा रहे हो। अरे तुम तो सिंहासन पे बैठे रहो, तुम्हारा तो नंबर बाद में आएगा, आपस में शिष्य लड़ लेंगे, घरों के ताले लग जाएंगे। जैसे राम रहीम की हुई थी हरियाणा के अंदर, पहले तो सब बोले हमारे गुरु हमारे गुरु, आधी जनता मर भी गई, आधी जनता घायल भी होगी, आधे जेल भी चले गए, और लास्ट में राम रहीम का नंबर आया। सबसे मजे की तोड़ की बात जी, आपको भी अच्छी लगेगी और सार्वजनिक पे जा रही है तो सार्वजनिक हो, सभी शिष्यों को सभी भक्तों को भी अच्छी लगेगी। मैं तो एक बात मानता हूँ, अगर शक्ति पुत्र महाराज जी कहते हैं पांडव कर सरकार महाराज जी, मतलब कि वे गुरु शरण पे निशाना साध रहे हैं कि फीस लेते हैं, सही बात है। दुनिया कमा रही है तो किस लिए कमा रही है? अपने पेट के लिए कमा रही है। तुम्हारे जितने भी शिष्य हैं, जितने भी पंडाल में जुड़े हैं, जो भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनियों के अंदर कोई भी शिष्य है, सभी 12 महीनों के लिए गवर्नमेंट को अपनी तनख्वाह फ्री में सेवा करो, पता लग जाएगा 2 महीनों में घर की स्थिति क्या होगी, कैसे खर्चा चलेगा। जी मध्य प्रदेश के अंदर जितनी भी हॉस्पिटल है, धर्म का तो कार्य है, एक तो डॉक्टर भी भगवान होता है, जैसे संत होते हैं, ऋषि होते हैं, मुनि होते हैं, तो वो ऐसे ही डॉक्टर भी एक दूसरा भगवान होता है। जी जितने भी मध्य प्रदेश के अंदर जितनी भी हॉस्पिटल है, सभी हॉस्पिटलों का खर्चा और उनकी जो भी वर्कर लाग रहे हैं उनका, इनकी सैलरी और जो भी मरीज आ रहे हैं उनका खर्चा स्वयं शक्ति पुत्र महाराज उठा लेंगे, हमारे गुरु शरण जी महाराज फ्री में सबको निःशुल्क सेवा दे देंगे। अगर गलत कहा हो जी तो हमें बताओ। जी आपने अपनी भावना रखी है तो मैं सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहता हूँ। आप कालू भगत जी कहाँ से हैं? आप मेरे से पहली बार बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैं पहली बार बात कर रहा हूँ। मेरा नाम कालू भगत जी है, हरियाणा से, जिला महेंद्रगढ़, विलेज गोमला। अच्छा, आप माता शीतला जी के भक्त हैं? हाँ जी। आपके माध्यम से भी लोगों का काम किया जाता है? जी मैं अपना दरबार लगाया है, मैंने 6 साल दरबार लगाया जी। घर में कुछ ऐसी पारिवारिक की परेशानी आ गई जिसकी वजह से 2-2.5 साल मैंने नहीं लगाया जी। और एक दिन कुदरती, आपने अनुभव पे भी बता देता हूँ कि मेरा छोटा भतीजा है भाई का लड़का जी, मैं गुरु शरण जी महाराज की जो भी वीडियो देखता था, पांडोकर धाम सरकार की जो भी वीडियो देखता था, तो मैंने अभी फिलहाल चल रही है 2022, मैंने नवंबर के अंदर देखी थी जी। 2021 में जी। उसके बाद में जो गुरु शरण जी महाराज अपने परम पूज्य सतगुरु श्री हाथीवान जी महाराज को याद करते हैं जी, और उस दिन से हमने अपना गुरु अपने हृदय से अपनी परम आत्मा से मान लिया था और मेरे भतीजे ने तारपिन पी लिया था। अच्छा, उसकी बचने की कोई हालत नहीं थी जी। और आज दिन भी मैंने बाबा हाथीवान का 10 रुपए का प्रसाद बोला था, आज तक भी नहीं बांटा है मैंने जी, कि बाबा इसको कैसे भी बचा ले, तेरा गुण नहीं भूलूंगा जी। और वो मेरा भाई का भतीजा है, वो आज दिन बिल्कुल स्वस्थ और ठीक है। इतनी कृपा है, और हमारे गुरुजी तो किसी को ना अभद्र सिखाते और किसी भी शिष्य की ये नहीं कि अनुशासन दरबार के अंदर अनुशासन को बिगाड़ दे या हद से ज्यादा बोल जाए, और आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं आया जो उनके लिखते वक्त और बोलते समय उनका हाथ पकड़ ले कि ये झूठ है, बल्कि वे भी स्वयं कहते हैं कि कोई किसी कार्य के लिए आता होगा तो गुरुजी भी उसको उसके पर्सन से अलग बोलते हैं, उसको स्वीकार नहीं करते जी, जी, कि हमारा तो पर्सन ये है जी। तो हम तो ये मानते हैं शक्ति पुत्र जी महाराज, मैं आपको एक रामायण का माध्यम देता हूँ। रावण ने भी अहंकार जगा लिया था और प्रभु राम को एक सिंपल मानव मानना था, साधारण, और अंगद ने जाके शांति दूत बन के उनको चेतावनी दे दी थी, और हनुमान जी ने उनको रामायण लंका भूगने से पहले उनको सावधान कर दिया था, लेकिन नहीं माना तो आखिरी में उनका सर्वनाश हुआ, पलक झपकते ही झलक होगी थी लंका की जी 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 जी।
तो ऐसा ना करो कि लोग रोड पे उतरे और शीशे आपस में कट मरे और तुम जिस धर्म के चोले को पहरे हो बाद में इसकी असलियत सामने आ जाएगी। गुरु गोरखनाथ और बाबा भर्तृहरि की एक बात वार्तालाप हुई थी। बाबा भर्तृहरि ने हिरण का शिकार कर दिया था और वह बाबा गुरु गोरखनाथ के धुने पे जा गिरा था। तो बाबा गुरु गोरखनाथ ने एक ही बात कही थी कि इसको क्यों मारा, तो उन्होंने कहा कि मेरा काम शिकार करना, अगर इसको जीवित कर दो तो मैं तुमको गुरु मान लूंगा, अगर जीवित नहीं कर सकते तो इस भगवा बाणा को तार दो, मेरे को गुरु मान लो। अच्छा, फिर अगर प्रतियोगिता करनी है तो पहले उसका निवेदन, आज के टाइम में भारत की संविधान है, कानून है, व्यवस्था है, और विनम्रता से अपने पांडवकर धाम दरबार में आए हो या किसी भी कानून प्रशासन का हेल्प लियो, ये थोड़ी है कि लाइव में मीडिया में सब्सक्राइब बढ़वाने के लिए और जनता को भड़काने के लिए, हिंसा फैलाने के लिए आपने प्रसारण तो कर दिया जी। तो ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए जो भी है। और हम तो ये भी मानते हैं जिन्हें भगवती मानव कल्याण संगठन के जो भी लोग हैं और उसी इंडिया न्यूज 24 न्यूज के साथ में, राजेंद्र सिंह राठौड़ के साथ में जैसे भी कर रहे हैं, तो पत्रकार का अधिकार होता है सार्वजनिक जगहों पे सभी पे जाना, तो उसका हक बनता था पांडवकर धाम में जाके वहां पहले परिचय लेता, परीक्षण करता, एक पक्षीय बात थोड़ी रखी जाएगी। जी जी जी, मानते हो नहीं? जैसे हम दोनों पक्षों की रख रहे हैं, हमारे सवाल भी रख रहे हैं, लेकिन हम दोनों पक्षों को आमंत्रण दे रखे हैं, दोनों पक्षों उनकी वीडियो में, उनकी वीडियो में भी कमेंट आ रहे थे, एक बात रट रखी है, बड़ी खबर आप देख के चौंक जाएंगे, अरे भाई छोटी खबर तो तुम्हारी छपड़ी। जी जी जी। और दूसरी बात ये, शक्ति पुत्र महाराज जी ने अगर अपने शिष्यों को इतनी शिक्षा दी है तो ये कहते हैं कि मैं तो शिक्षा देता हूँ, धर्म का प्रचार करता हूँ, ये करता हूँ ये करता हूँ, तो शिष्यों में ये नहीं आती किसी संत के उसकी पुतला भूको, उसकी बेमतलब की इज्जत खराब करो या छवि खराब करो। उन्होंने ये नहीं पता कि ये कितना भयंकर आपत्ति आपके ऊपर उल्टी पड़ जाएगी। देखिए, पब्लिक सब समझती है, अगर आप अपनी सीमा रेखा से हट करके काम करते हो, गलत करते हो, तो लोग इसको अच्छे से समझ जाते हैं और वो आपके खिलाफ जाता है। आप जिसकी छवि खराब करने की कोशिश करते हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उसकी प्रतिष्ठा लोगों के मन में और बढ़ जाती है। एक बात और कह रहा है, मुझे तो बहुत यात्रा कर ली। अरे गरीब निर्धन होता है, देवता की यात्रा तो वो करता, तुमने क्या यात्रा कर ली? तुमने तो सारी रात तो वीडियो देखते हो मीडिया के ऊपर, सुबह के प्रसारण में क्या बोलना है, किसको क्या है, जिसको जलन होगी, चुगली करना हो गया, अहंकार जाग गया, वो रात दिन तो वही करेगा क्या तपस्या? यात्रा तो वो होती है कोई पैदल जाना, किसी माता नगर कोटवाली के, दुर्गा भगवती के जाना, वैष्णो देवी जाना, तुमने कौन सी यात्रा कर ली? सिंहासन पे बैठ के ये थोड़ी है भाई, पब्लिक लाख दो लाख जुड़ गई और बस सब की मिराज पर तुमने मिल गया, देश का प्रधानमंत्री तू ही बन जा और कोई है नहीं। तो इसलिए हम ये चाहते हैं, सभी भक्तों से ये चाहते हैं, जो भी शक्ति पुत्र महाराज जी के जो भी शिष्य, हम उनका भी मान सम्मान करते, वे भी हमारे गुरु भाई बराबर ही है, और हम शक्ति पुत्र जी महाराज को भी नमन प्रणाम करते हैं, लेकिन जो उनके शिष्य ये कहते हैं कि प्रभु की शरण में आ जाओ, प्रभु के माफी मांग लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, वो कोई ब्रह्मा नहीं है, कोई विष्णु नहीं है, कोई शिव शंकर अवतार ही नहीं है, और जिस बात को लेकर एक बात की रिपीट कर रखी है, बात को प्रश्न को समझते नहीं, अगर पांडवगढ़ सरकार जी ये कहते हैं कि भाई जूतों की पॉलिश करते हैं, भगवती को ऐसे ललकारा, उन्होंने ये कहा है भगवती को मैं प्रणाम करता हूँ और भगवती जगदम्बा सबके लिए बराबर है, लेकिन तुम्हारे पास में दुर्गा भगवती की शक्ति नहीं है और नहीं है, तुम्हारे पास में कोई मलिनता, कोई पिशाच, कोई भूत प्रेत की कोई शक्ति है, और ऐसी शक्तियां हमारे द्वार के ऊपर तैनात खड़ी रहती है, हमारी शरण के अंदर हाथ जोड़े हुए। जी जी जी, गलत तो नहीं कहा जी? जी, आपने आपने अपनी पूरी बात, मैं तो ये कहता हूँ कि शक्ति पुत्र जी महाराज, ये जगदम्बा भगवती का अहंकार नहीं जागा, जो तुम्हारे साथ में मलिनता जो चीज है
वो चीज ने तुम्हारा अहंकार जगा दिया, क्या पता तुम्हारा धर्म का चोला ही उतरवा ले। तो कृपया करके शांति भाव से और शांत हो जाओ, हम तो यही चाहते हैं। गुरुओं का तो बाद में नंबर आएगा, पहले तो शिष्य ही हो लेंगे। आपके जितने शिष्य है उससे ज्यादा इनमें 32 साल होगी, तुमने 25 साल होगी, और इन्होंने 251 मंदिरों का काम करवा दिया, तुमने कितने मंदिर बनवा दिए। फिर एक बात और है संजय जी, सबसे बड़ी बात यह है, ठीक है हमारे गुरुजी फीस लेते हैं तो अगला का काम ताल ठोक के डंका की चोट पे बात बताते हैं जी, और बंदे की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ये नाट जाए कि गुरुजी ऐसा नहीं है। जितना उनको आदेश प्रेरणा मिलती है उतना ही बताते हैं। आपने भगवती मानव कल्याण संगठन ट्रस्ट क्यों बना रखा है? शक्तिपुत्र जी महाराज को हम ये कहते हैं कि आपने ट्रस्ट क्यों बना रखा है, ट्रस्ट की भी टाल करो, किसी का दान पत्र भी मत रखो, फिर पता लग जाएगा विष्णु आप महंगे हो जाएंगे। हाँ जी जी जी, आज आश्रम बन रहा है, कोई 10 रुपए चढ़ा रहा है, कोई 5 रुपए चढ़ा रहा है, तुमने तो कोई फीस नहीं खोल रखी। फिर दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अपने मनमानी खड़े कर लेंगे, अरे वो हरियाणा का ताऊ है, हरियाणा के कभी झूठ नहीं बोलते, सीधे सीने में छाती में चढ़ जाते हैं, डंके की चोट पे बात करते हैं, किसी को बदनाम करना। अच्छा फिर दूसरी बात, अगर मारे गुरुजी ऐसे हैं तो ये जनता इतनी बेवकूफ है, किसी को गुरु शरण जी महाराज नोता देख के ले आते हैं जो इतनी पब्लिक जुड़ रही है, इसका मतलब तो वो भी पागल हो गए। अरे कहां तुम्हारे बुद्धि ने कुबुद्धि जाग गई, ऐसे शक्ति पुत्र महाराज जी है। फिर बाद में कह रहे कालू भगत जी हिजड़ा है, कालू नहीं ऐसे बोले मैंने उनकी वीडियो देखी, अगर हिजड़े हो ना पूछूंगो, ये अभद्र किसी ऋषि संत मुनि के मुख से सुनना अच्छा लगता है कि अशोभा लगती है, जो सनातन धर्म पे चल रहा हो। और वो पंडोकर सरकार नाम बोला गया है, वो गुरु शरण जी को नाम नहीं दिया गया है, लोग ऐसा कर रहे हैं। मैं तो ये बात पहले बोल चुका कि पहले बात तो उन्होंने गांव का नाम खराब किया, दूसरा हनुमान जी जो पंडोकर सरकार बालाजी महाराज के नाम से जाना जाता है तो या पंडोकर सरकार धाम तो उसको खराब किया, ना कि गुरु शरण महाराज को, उन्होंने तो हनुमान जी को ललकार दिया जी। अच्छा एक बात और भी थी, जो शिष्य है गुरु दीक्षा लेते हैं, हमारे गुरु जी ने कहा कि कान फूक के ना तब गुरु दीक्षा दी जाती है, तो शक्तिपुत्र महाराज जी ने कहा कि कौन से जमाने की, पिछले जमाने की बात करते हो, अरे तो पिछले जमाने में ऋषि मुनि होते आए तभी तो तू ऋषि मुनियों की बात कह रहा है, बात तो वही है, सनातन धर्म तो वही है, फिर तू ऐसे क्यों बोल रहा है कि भाई सबको ऐसे ही मंत्र दे दिया, ये थोड़ी होता है। मतलब कि गुरु दीक्षा जैसे तुमने दे दी वो सही है, जो गुरु जी ने गुरु शरण महाराज ने जो पुराने बुजुर्ग परंपरा चली आ रही है ऋषि मुनियों की उस हिसाब से गुरु दीक्षा देना बता दिया तो उसको गलत बता रहे हैं, बड़े मजे की बात है। ये काम है पब्लिक को भड़काना और हिंसा करना जी 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 जी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हम तो ये बात मानते हैं। चलिए आपने अपने मन की बात कही कुछ तर्क के साथ, हाँ। आपने तथ्यों को उठा करके आपने अपने सवाल पूछे सार्वजनिक पर ये सारे सवाल। और हम तो जी एक बात मानते हैं, हमारे गुरुजी कहते हैं ना मैं भगवान का अवतार हूँ, ना मैं कोई हरि विष्णु जी, ना कोई कलयुग का अवतार हूँ, सिर्फ मुझे तो मेरे गुरु की कृपा है और अपने शिष्यों पे भी वो कृपा देके मार्गदर्शन देते हैं बस जी जी, किसी जी, को जी। गलत रास्ते के लिए ना भटकाते ना और किमी, और इनकी तरह अगर शिक्षा देनी पड़ जाए तो एक दिन भी 32 साल हो गए इनको धाम और दरबार चलाते हुए, एक दिन भी नहीं चलता एक क्षण जी 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 जी। देश के चारों कोनों से विदेश के जो भी लोग आ रहे हैं कोई मूर्ख थोड़ी है, अपना समय बर्बाद करके अपना घर छोड़ के आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो बताया जाता है उसमें तो नहीं, दूसरी बात तो सवाल हो ही नहीं सकता। कथावाचक करते हैं, कथावाचक सबके पास में मोबाइल है, तुम लाइव चले जाओ अपने घर बैठ के कर लेंगे, तुम्हारे पास में भीड़ करने की और ट्रस्ट में डलवाने की एक दो चंदा जो भी भेड़ा होता है वहां पे क्यों करवाते हो।
जी सबसे वही बात है कि जो सवाल होते हैं कि व्यवस्थाएं फिर आपकी कैसे चलती है, पैसा हमारे गुरुजी को चाहिए। हमारे गुरुजी तो खुले कहते हैं भाई पैसा लेता हूँ फीस लेता हूँ तो काम करके देता हूँ और मेरी जेब में ना गले, जो भी हो रहा है सब तीर्थ धाम में लग रहा है आने वाले भविष्य के अंदर। आज मैं ये कह रहा हूँ हमारे गुरुजी ने तो ऐलान नहीं किया जी, लेकिन ये मेरी माँ भगवती कह रही है, शीतला माता कह रही है और गुरुशरण महाराज जी तक ये बात जाएगी या सार्वजनिक में भी जाएगी। तो हम ये कहते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर माता वैष्णो देवी से बड़ा यहाँ पे तीर्थ बनेगा और सन 2030 तक यहाँ पे पांडोखर के अंदर रेलवे प्लेटफॉर्म होगा। ठीक है, वो सब कोई जब टेक्नोलॉजी बढ़ेगी सब चीजें होगी, अच्छी बात है। हम संस्कृति की स्थापना करें, हम इसमें भी न जाएं कौन सा बड़ा मंदिर बनेगा, हम तो ये चाहते हैं लोगों के काम अच्छे से हो जाएं, लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाए, वो सबसे बड़ा आज मंदिर के, आज के टाइम में ये है, चमत्कार को नमस्कार है, तत्काल में जो काम हो जाए इंसान वहाँ पे जाता है। बिल्कुल 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 आपकी बात ये बिल्कुल सही है। अब आती है कह देते हैं तंत्र है, भूत है, प्रेत है, वो है। चलो हमारे गुरुजी तो बाद में उठे होंगे, 32 साल इनकी तो छोटी उम्र है, वो तो मेहंदीपुर बालाजी में वहाँ पे दुनिया पब्लिक खेलती है, तो क्या वो भी मूर्ख है वहाँ पे जा रहे हैं? वहाँ पे बंद करा दो। अगर पृथ्वी के ऊपर भूत प्रेत नहीं है तो वहाँ पे क्यों खेलते हैं? नहीं कालू भगत जी, अगर कोई ये कहता है कि सूक्ष्म शक्तियों का वास नहीं है, उनका अस्तित्व नहीं है, तो वो गलत कह रहा है। क्योंकि ये हमारा भी मानना है, हमने भी अपने अनुभव से 2-3 साल में दरबारों के इस संदर्भ से बात करते हुए ये जाना है, इस दुनिया में जितने हॉस्पिटल शरीर के रोगों के हैं उससे ज्यादा पीड़ित लोग, मरीज लोग सूक्ष्म शक्तियों के हैं जी। पग पग के ऊपर जितने आज के टाइम में भारत देश में जितनी भी जनसंख्या है उसके 10 गुना ज्यादा सूक्ष्म शक्तियां ज्यादा है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, वो सही है। महात्मा ऋषि इस बात को कहते हैं, तो सूक्ष्म शक्तियों का प्रभाव शरीर के अंदर इतनी पीड़ा है जो भी होती है, जितनी डॉक्टर की बीमारी नहीं होती, जितनी बीमारी इसकी है, शरीर को जाम कर लेती है और वर्जिश होती नहीं, योग्यता होती नहीं, और वो इंसान अपनी अकाल मृत्यु के प्रभाव में हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कालू जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात पूरी रखी। तो ये थे हरियाणा से कालू भगत जी, जिन्होंने और मैं सभी डिजिटल फर्स्ट न्यूज के सभी दर्शकों को अपनी तरफ से राम राम चाहता हूँ, जय श्री राम। और दूसरी बात, देसी देख बिना ब्रेक, सब्सक्राइब लाइक शेयर पर अंगूठा टेक। क्या बात है, बहुत बहुत आभार, नमस्कार। ठीक है जी, मेरे बोलने का ही देरा। जितने भी दर्शक देख रहे हो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को फैलाओ, और ये किसान के बेटे ने और शीतला माता के दास ने ये शक्तिपुत्र महाराज को एक शांति भावना बनाने के लिए, संवाद करने के लिए, इतनी ऊंची चुनौती ना देने के लिए एक प्रार्थना और रिक्वेस्ट की है जी। बहुत बहुत आभार, आभार, नमस्कार।